दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलियंस के ऊपर। क्या एलियंस होते हैं कि क्या यह बस एक अफवाह ही है? क्या हमारी पृथ्वी के बाहर जीवन संभव है? और अगर जीवन संभव है तो कहाँ, और वहाँ पर कैसे जीव रहते होंगे? क्या वह इंसानों की तरह ही दिखते होंगे कि इंसानों से बिल्कुल अलग होंगे? हमारी पृथ्वी पर तो जीवन है, तो यह भी कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्मांड में भी जीवन संभव होगा। और अगर वहाँ पर जीवन संभव है तब तो यह बात पक्की है कि वहाँ पर बहुत प्रकार की प्रजातियाँ भी होंगी। एलियन का मतलब होता है कि वो प्राणी या वो जीव जो हमारे प्लेनेट का ना हो, वह किसी दूसरे ग्रह का हो। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम किसी प्लेनेट या ग्रह पर जाएंगे तो उस प्लेनेट या उस ग्रह के लिए हम एलियन ही हुए। अब फिर बात आती है कि क्या सच में एलियंस होते हैं? तो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहेंगे कि एलियंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगहें हैं जिन जगहों पर UFO यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा गया है, लेकिन यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ यह अभी तक कोई नहीं जान पाया। कहते हैं कि एलियंस पृथ्वी पर आते हैं और वह इंसानों के संपर्क में भी रहते हैं। और एरिया 51 के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के अंदर ये एरिया 51 आता है, और इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। और यह जगह एरिया 51 दुनिया के रहस्यमयी जगहों में से एक मानी जाती है। और इस एरिया 51 के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि दावा करती हैं कि एलियंस होते हैं। एरिया 51 एक मिलिट्री एरिया है जो कि अमेरिका शहर के लॉस वेगास से 80 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है, और यह इलाका अक्सर चर्चा में बना रहता है क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे ग्रह के जीव हैं उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और ये एरिया 51 के आसपास कई लोगों ने UFO को भी उड़ते देखा है। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों का जाना मना है, और इस जगह के चारों ओर एक बाउंड्री बनाई गई है जो कि बहुत ही आधुनिक हथियारों से हमेशा लैस रहती है ताकि कोई भी इंसान वहाँ पर गलती से ना घुस सके। सन 1947 में किए गए एक परीक्षण के मुताबिक यहाँ पर एक UFO दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, और जिसमें से एक एलियन की डेड बॉडी भी मिली थी। और एरिया 51 में और भी ऐसी जगह है जिसपे की अभी भी जांच चल रही है। सन 1960 में फ्रैंक ड्रेक नाम के एक वैज्ञानिक ने एलियन से संपर्क करने की कोशिश की थी, और उस समय 85 फुट की रेडियो डिवाइस को इस्तेमाल में लाया गया था ताकि जो सिग्नल्स एलियंस भेजे उसे सुना जा सके। अब तक के प्रोजेक्ट में करीब 1000 से ज़्यादा तारों की जांच की जा चुकी है, लेकिन वहां पर एलियंस के होने के कोई सिग्नल्स नहीं मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एलियंस समय समय पर हमारे धरती पर आते रहते हैं, और तो और जो यान हमारे वैज्ञानिकों ने भेजे हैं अंतरिक्ष में वो उन पर भी अपनी नज़र रखते हैं। अब बात आती है कि एलियंस अगर धरती पर आते हैं तो वो क्यों आते हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस धरती पर किसी खास चीज़ के लिए आते हैं या किसी खास वस्तु के लिए आते हैं जो कि उनके ग्रह पर मौजूद नहीं है। इस पर भी वैज्ञानिकों ने अपने अपने बातों को रखा है, लेकिन अभी तक यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि एलियंस धरती पर क्यों आते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स जो कि एक स्पेस रिसर्चर रहे हैं यानी कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक, उन्होंने एलियन से संपर्क बनाने की कोशिश की थी, और वह पिछले 3-4 सालों से इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे जिससे कि धरती पर रहने वालों का संपर्क अंतरिक्ष में रहने वाले लोगों से हो सके, यानी कि एलियनों से हो सके। और ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए अमेरिका सहित कई जगहों पर बड़े बड़े टेलीस्कोप और फ्रिक्वेंसी को भेजने वाली डिवाइस तैयार की गई। इनमें से स्टीफन हॉकिंग्स ने ब्रह्मांड में लगातार सिग्नल्स भेजे, और जो साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स के साथ काम कर रहे थे उन लोग का भी मानना है कि उन्होंने बाहरी दुनिया से आ रहे कुछ सिग्नल्स को पकड़ा था। हमारे ब्रह्मांड में कई करोड़ों किलोमीटर दूर पर सिग्नल के टकराने पर स्टीफन हॉकिंग्स को यह अंदाजा हो गया था कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। लेकिन जो भी हो, दुनिया भर के साइंटिस्ट दूसरे ग्रह के प्राणियों को खोजने में लगे हैं। बहुत लोग मानते हैं कि एलियंस होते हैं, और वहीं कुछ लोग मानते हैं कि नहीं होते हैं।
और वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस धरती पर किसी अनजान जगह पर आते हैं जहां पर कोई इंसान नहीं रहता। लेकिन वैज्ञानिकों की खोज एलियंस के बारे में अभी भी जारी है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।